जाके देवता पर्वत पर 1000 पदुम वर्ष तपस्या कैले बड़ी ब्रह्मा जी दर्शन देले बोले हे पुत्री तू ऐसे मत डरा कि तू कहोगे मैं भी तेरे पर पाप लगी तारा पाप के 4 भाग बांट देता नहीं कहां कहां मटले बाबा गिरवा के ना बताई नहीं तब ऐसे लोग मरे लगल हे कंपन ऊहे कथा व्यास जी धर्मराज के सुनकर ना विजेता भइले राजा लोग धोखा क के मारल हमारा वीर अभिमन्यु जो स्नात तब एगो लड़का के कथा सुनौले मालिक एगो संत के तपस्या कैला से एक जना राजा के एगो पुत्र भइले जेकर नाम रहे सुवर्ण षष्ठी उनका प्रदान रहे कि पसीना कान में समैला निकले नाक में से निकले थूकस ई सब सोना बन जाए लड़के के नाम सुवर्ण षष्ठी धैल धर्मराज ध्यान दत हर बेटा महान रहे के बेटा महान रहे वो लड़का के चोर लुटेरा लोग हल्की रोज सोना देता थूको तक सोना हो जाता है मल मूत्र तक सोना हो जाता है आखिरी लड़का बा कोई सो और राती के चोरा के अली जाके जंगल में कहलो कि सोना उगिल थूक थूकता और गर्दन काट के पेट सिरले सके भीतर से सोनवा भी गेला आ भीतर कुछ ना रहे हे राजा ऊहो मारल गेले उनकरो बाप सुदेव जी अले त कहले कि अब अही ना तब कहले कि अब सुनो तारे के जगह पर लेके चल तनी ये दुनिया में सत्य के सिवा कुछ माना आ तारा बुझात नहीं है शॉर्टकट में बताओ फिर तीसरा कथा सुनाओ तरह सुना एक बार स्वर्गलोक में मीटिंग भई रहे कि आखिर सत्य क्या है धर्मराज के हम भैया सुनाओ तर कौन बात था चले तो काम विश्वामित्र बाबा विचार कर रहे कि आखिर सत्य वहां का दुनिया में आ तले पहुंचे बड़े नारद लोग कहले कहां सत्य खोजता रहो केहू कहता कि राम नाम सत्य है केहू कहता कि शिव जी सत्य हमें केहू कहता कि मरण सत्य कर ना सबके बाद में सत्य बा हम एगो प्रसंग सुनाता है तहर लोग के जो देह के आइल बनी ए देव लोग के ना मृत लोग के बात होवे कहता रहे जेकर नाम के पहिल सत्य लागल बावे जेकर के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहल जाला पात्र की कहानी आ लोग कहता त सगर जुबानी कैमरा में लगे कहानी लोग कहता त सगर जुबानी स्वामींद्र जी कहे क्या कहते हैं नारद बाबा कहे के कहता विचार करी हमारा नाम है नारद नारद जेकर बात रद ना होता कहते हैं तने पर विचार करी रहुआ राजा महान हूं पर जब महान चरित्र पवित्र जैसे गंगा जी के पानी कहानी